हाय एवरीवन, लास्ट टाइम वी डिस्कसिंग द प्रीवियस वीडियो कि देखिए इस तरफ संडे है और इस तरफ मंडे है। तो हमारी कंट्री में जैसे आज के टाइम पे आज 1 अप्रैल है और हमारी कंट्री में आज क्या है, थर्सडे है। तो इस तरफ कौन सा दिन होगा? एक दिन कम होगा, वेडनेसडे होगा। तो सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो रशिया और अमेरिका के बीच में पड़ रही है और GMT इस तरफ है। तो अभी मेरी स्क्रीन पे मेरे ईस्ट में क्या है, जो ईस्टर्न डायरेक्शन में देखें तो अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और इस तरफ रशिया, पूरा एशिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं फ्रॉम दिस अमेरिका, अमेरिकन रीजन और रशियन रीजन में आएंगे तो आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जबकि आप इधर आएंगे तो आप टाइम मशीन में वापस आ गए, आपको संडे फिर से मिल जाएगा जो आपका बीत चुका है। ठीक है, तो इधर आने पे अगर आप रशिया की तरफ से अमेरिका की तरफ आ रहे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करें तो प्लस आपका -1 होगा, और अमेरिका से रशिया जा रहे हैं तो आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लॉस होगा, इधर आने पे आपका गेन हो रहा है। ओके, चलिए, इसकी एक स्टोरी भी है कि एक मैगलन थे, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और एक दिन का उनको कन्फ्यूजन, तभी से पता चला कि हाँ ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कुछ चक्कर है कि यहाँ पे डेट का एक दिन का आगे पीछे होता है। वो स्टोरी मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए, ये टॉपिक तो हो गया है हमारा, आगे देखते हैं कि हमारी बुक में और क्या क्या टॉपिक रह गया था लास्ट टाइम। तो अगर अपनी बुक को देखें तो हमारी बुक में हमने लोकल टाइम डिस्कस किया था, हाँ किया, स्टैंडर्ड टाइम डिस्कस किया, ठीक है, रोटेशन रेवोल्यूशन डिस्कस किया, ये 360 वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया था, 360 हमारा क्या है, टोटल कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल होगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा, और 15 डिग्री का मतलब 1 आवर होता है, और एवरी 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर 1 डिग्री डिफरेंस पे, तो 7/5 का मतलब क्या हो गया, 30 मिनट हो गया। ठीक है, अब ये टाइम ड्यूरेशन के कुछ सम्स हैं, लेकिन ये मैं अभी आपको कुछ पहले एग्जांपल देने के बाद एक्सप्लेन करूँगा। ये वर्ल्ड का मैप है, टाइम जोन से एक्सप्लेन किया है कि भाई कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे ये देखिए जीरो टलून है, हम कहाँ पे हैं, इंडिया, इंडिया यहाँ पे आ रहा है 82 डिग्री वाले पे, 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये पूरा सनसेट, ये सनसेट है यहाँ पे, देखिए ये सनराइज है। तो इस पोर्शन में डे चल रहा है, बैक साइड में क्या चल रहा है, नाइट चल रही है। ठीक है, तो जो पोर्शन सामने रहेगा वो अर्थ के सन के सामने, अर्थ का पार्ट वहाँ पे डे होगा, उसके बैक पोर्शन क्या होगा, नाइट होगा। तो इन्होंने कोशिश किया यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, क्लासरूम में थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बताया था, लोकल टाइम एक्सप्लेन किया, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक्सप्लेन किया था कि कैसे मिर्ज़ापुर के पास का जो टाइम है, एक फोर्ट का नाम था मैंने बताया था, याद होगा आपको, शंकरगढ़ फोर्ट, तो वहाँ से वहाँ का जो टाइम है उसको माना गया गोपीगंज विलेज का। फिर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच मीन टाइम है या UTC बोलते हैं, वो मैंने आपको बोला था। फिर एक हमारे महाराजा जय सिंह थे, सेकेंड किंग ऑफ जयपुर, महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड, वो अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे और विजनरी थे, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट वी कैन से। तो उन्होंने एक बड़ा, एक बहुत ही पुराने एंशियंट सिस्टम पे एक जंतर मंतर बनाया, मैथमेटिशियन भी थे, आर्किटेक्ट भी थे। टोटल उन्होंने जो ऑब्जर्वेटरी बनाई है पूरे इंडिया में, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, जंतर मंतर, वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो उज्जैन में है, वाराणसी में है, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, लेकिन मथुरा में तो भी डज नॉट एग्जिस्ट, टुडे वन कैन विजिट द अदर 4। तो हमारे पास अभी 4 तो हैं, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली, मथुरा अभी नहीं है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है टाइम के साथ में, जो भी अटैक हुए। और हमारे पास एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST है, एक इंस्टीट्यूट है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, हैज डेवलप्ड द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स इन द वर्ल्ड, क्लॉक हैव टू बी एडजस्टेड बाय 1 सेकेंड वंस इन 20 मिलियन ईयर्स। तो काफ़ी मतलब एक्यूरेट और टाइम की कैलकुलेशन की जा रही है, और कितना आप देखिए, जस्ट 1 सेकेंड वंस इन अ 20 मिलियन ईयर्स। इंडिया द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया NPL न्यू दिल्ली गिव्स सर्विस ऑफ एक्यूरेट टाइम कीपिंग। तो हर कंट्री में अपना अपना एक बना रखा है कि जो टाइम को कि एक्यूरेट टाइम कीपिंग एजेंसी, और NIST तो आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका की वर्ल्ड लेवल पर देख रही है। तो हमारे पास NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया,
or the clock used here accurate up to 1 lakh part of a second. Oh, 1 lakh part of a second, I can't imagine. Okay, so अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जंतर मंतर की, जो रियल पिक्चर्स हैं। ये देखिए जंतर मंतर जयपुर का, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बड़ी फेमस प्लेस है हमारे जयपुर में, और जयपुर में भी है, वाराणसी में है, दिल्ली में है, और ये सारे के सारे बड़ा ही, मतलब देखिए कितने सिंपल मतलब स्ट्रक्चर्स खड़े किए, और इनकी जो कैलकुलेशंस है, बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं, लेटेस्ट मशीनें काफ़ी एक्सपेंसिव, उनकी कैलकुलेशंस के बराबर आती हैं, या कभी कभी तो काफ़ी क्लोज होती हैं। तो हमारा एंशिएंट नॉलेज तो आई थिंक इट वॉज सुपर, राइट नाउ वी हैव लास्ट इट, बट अभी भी कुछ एविडेंस है हमारे पास अपने पुराने नॉलेज के। तो आई थिंक वंस इन योर लाइफ यू विल गेट अ चांस टू विजिट दिस जयपुर, यू शुड विजिट। है ना, हम लोग एक छोटा सा टूर भी कर सकते हैं क्लास को लेके, चलो जयपुर चलते हैं, जंतर मंतर घुमा के लाते हैं तुमको, है ना, ज्योग्राफी के टूर पर। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो मेन सम्स हैं टाइम कैलकुलेशन के, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसके लिए मैं आपको पहले कुछ क्या करूँगा, एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला सम देखते हैं, पहला सम हमारा आएगा, चलिए थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको नीचे, अभी भी सारे क्वेश्चन किस तरह के हैं, लेंथ थ्योरी क्वेश्चंस हैं और हमें थ्योरी क्वेश्चंस नहीं चाहिए। ठीक है, आ गया हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच तो सबको अच्छा लगता है, इंडिया मतलब क्रिकेट तो सब कुछ है, सचिन द गॉड है। अ क्रिकेट मैच वाज टू बी हेल्ड एट बर्किंगहम एट 9 AM लोकल टाइम, द पोजीशन ऑफ बर्किंगहम इज 5 degrees वेस्ट, कैलकुलेट द टाइम द व्यूअर्स हैव टू ट्यून देयर टेलीविजन इन सिडनी व्हिच इज सिचुएटेड ऑन 151 degrees ईस्ट। और ध्यान से देखिए 0 degrees बीच में है, 5 degrees वेस्ट इधर होगा, ठीक है, यानी आपके लेफ्ट में जाएगा, और 151 degrees ईस्ट यानी आपके राइट में इस तरफ जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे अलग टाइम है, बता रहे 9 बजा हुआ है यहाँ पे बर्किंगहम पैलेस में जो लंदन में है, लेकिन 5 डिग्री वेस्ट है, जेएमटी से थोड़ा आगे है, और जो पोजिशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और वन सिडनी तो काफी दूर है ईस्ट की तरफ है, टाइम बताइए। तो अगर हम देखें तो 5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री डिफरेंस पे कितना डिफरेंस आता है 4 मिनट का, तो 5 डिग्री पे कितना डिफरेंस आएगा अगर हम जीएमटी की तरफ चले, तो आएगा वो 20 मिनट का, तो जीएमटी की तरफ आएंगे तो 20 मिनट्स बढ़ जाएंगे, तो क्या टाइम हो गया, एक्चुअल जो टाइम है जीएमटी पे होगा 9:20 AM होगा। अब सिडनी कितनी दूर है, सिडनी जो है वो जीएमटी से दूर है कितना, 151 डिग्री ईस्ट, तो 151 का मतलब दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच का टाइम डिफरेंस क्या होता है 4 मिनट, एज लास्ट टाइम टोल्ड यू, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 604 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे 600 प्लस 4, 600 का मतलब क्या हो गया 10 hours and 4 minutes, तो 10 hours 4 minutes अहेड ऑफ जीएमटी, तो अहेड यानी 9:20 टाइम हो रहा है उसमें 10 एड हो जाएगा, तो टोटल जो 24 के फॉर्मेट में जो टाइम आएगा वो 1924 hours आएगा, और 19 को क्या बोलेंगे 7:24 PM, क्योंकि अगर ट्रेन में आपने जर्नी की होगी देखा होगा कि ट्रेनों में जो टाइम होता है जो वॉचेस यूज करते हैं वो 24 फॉर्मेट यूज करते हैं, ना कि 12 आवर्स का फॉर्मेट यूज करते हैं, तो 19 का मतलब क्या है पीएम है 7:24 PM, तो सिडनी वाले को अगर बर्किंगहम का मैच देखना है तो उसको टीवी ऑन करना पड़ेगा 7:24 PM उनके लोकल टाइम पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कैसे हुआ ये सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम वाज टू बी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम मुंबई एट 7:30 PM, आपने मुंबई में है और हमारा पोजिशन क्या है नहीं बता रहे कि बता रहे, देखते हैं, दिस वॉज हर्ड बाई सम इंडियन सेलर नियर आइवरी कोस्ट इन वेस्ट अफ्रीका एट 20 degrees longitude, what was the local time there? अब मुंबई में टाइम क्या 7:30 PM है, 7:30 PM पूरे देश का टाइम है, पूरे इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम किस पे चलता है 82.5 degrees ईस्ट पे चलता है, तो 82.5 degrees ईस्ट पे टाइम क्या है 7:30 PM है, और जो दूसरी लोकेशन है जहाँ पे इंडियन सेलर हैं अपने कोस्ट पे या वेस्ट अफ्रीका में वो 20 degrees पे हैं,
तो उनको जो भी प्रोग्राम देखना है जो इंडिया में 7:30 पे चालू है और अपनी जगह पे जहाँ पे वो हैं वो कितने बजे अपना टीवी ऑन करें जो देख सकते हैं प्रोग्राम, तो इसको समझते हैं। तो 7:30 PM है 82 डिग्री ईस्ट पे, और जो दूसरी लोकेशन है वो कहाँ पे है, 20 डिग्री वेस्ट, यानी GMT देखिए बीच में है और इस तरफ इंडिया हो रहा है, इंडिया माने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट इधर हो गया 82 डिग्री, और GMT के इस तरफ कितनी दूर आ गया है वो जगह जहाँ पे हमारे इंडियंस लोग हैं, इंडियन सेलर्स हैं, 20 डिग्री वेस्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 20 से 0, तो ये 0 20 हो गया टोटल पूरा, 20 से 0 की तरफ आएंगे 20 चल गए, और फिर 0 से चलेंगे 82, तो टोटल जो डिफरेंस है दोनों प्लेसेस के बीच का वो कितना होगा, दोनों लैटिट्यूड पोजीशन को लॉन्गिट्यूड पोजीशन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 20 डिग्री प्लस 82.5 तो हो गया 102.5 डिग्री। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आ गया, जो डिस्टेंस का जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस जो आएगा वो इतना हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेसेस GMT के लेफ्ट राइट में है। तो जब GMT के लेफ्ट राइट में प्लेसेस होते हैं तो हम उनको मर्ज कर देते हैं, यानी ऐड कर देंगे, तब हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आएगा वो कितना है, 102.5 डिग्री। अब 1 डिग्री पे कितना डिफरेंस है, 4 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिफरेंस कितना है, 4 10 मिनट्स का डिफरेंस है, 4 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे 800 मिनट में तो आएगा 6 hours 50 मिनट, तब इसको 360 + 50 लिख सकते हैं, 360 का मतलब हो गया 6 hours, तो 6 hours 50 मिनट। अब 6 hours 50 मिनट क्या होंगे, लेस करना पड़ेगा, लेस देन 7:30 PM, ठीक है, तो इसके 6 hours 50 मिनट्स कम करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है PM में है और GMT की उस तरफ क्या होगा AM है, तो ये टाइम क्या होगा, माइनस होगा, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12:40 PM आएगा, ठीक है, सो द टाइम विल बी 12:40 PM हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, अगर ये प्लेस वेस्ट में है तो ये PM नहीं होगा, ये AM होना चाहिए, नहीं नहीं PM ही होगा, क्योंकि ये हो रहा है 20 डिग्री वेस्ट में आ रहा है लॉन्गिट्यूड, और ये होगा 12:40, ठीक है। चलिए मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, चलो इसको बाद में देखेंगे एक बार, मैं कंफर्म करूंगा ये सब गलत लगाया इन्होंने या सही लगाया, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस वेयर द लोकल टाइम 1:15 PM व्हेन इट इज 4 AM एट शिकागो। अब शिकागो है 88 डिग्री वेस्ट की तरफ, ठीक है, और जो टाइम हो रहा है वो वहां पे है 4 AM है। अब क्या देखो उन्होंने क्या किया, टाइम दे दिया है लेकिन हमको उसका लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करना है, जस्ट उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो टाइम डिफरेंस कितना होगा, 1:15 और 4 AM के बीच में क्या फर्क आएगा, तो टाइम डिफरेंस होगा टोटल 9 hours 50 मिनट्स का। अगर कैलकुलेशन करें इसको हम 24 आवर्स के फॉर्मेट में ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 से 4 जाएगा, ठीक है, तो 9 hours 50 मिनट बचेगा, तो इसको 24 आवर्स के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 13:15 PM हो जाएगा, मतलब 13:15 इसको मान सकते हैं, उसमें से 4 माइनस कर दे, 4 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 9 hours 15 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। अब उस डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें टाइम पता करना होता था और अभी हमें लॉन्गिट्यूड पोजिशन पता करनी है, ठीक है, तो जो कैलकुलेशन करने पर आएगा वो आएगा 138.75 डिग्री, सो द लॉन्गिट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेस विल बी 50 degrees 45 minutes east, it will cover 88 degree from west to 0 degree and 50 degree 45 is from 0 or Greenwich line. तो अब देखिए पूरे का पूरा जो सम करने का तरीका था अपोजिट हो गया, अभी भी कुछ सम्स और भी हैं, तो ये जब क्लासेस ओपन होंगे तो हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, यू हैव टू डू द होमवर्क, ट्राई टू गेट द सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट these time calculation sums. So next video I will have some handouts, I will give you the some notes, and then we will have a deep learning for this topic, okay, almost chapter is completed.
So thank you so much.